स्टेबलाइजर में शराब ही शराब, वाह रे देशी जुगाड़। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी का रोज़ नया कारनामा सामने आता है। कभी गाड़ियों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का मामला सामने आता है, तो कभी टमाटर और आलू प्याज की ढेर में शराब तस्करी का मामला सामने आता है। जी हाँ, अब ताज़ा मामला गोपालगंज के बिशंभरपुर से सामने आया है। वहाँ जाँच के दौरान पुलिस ने बिजली के स्टेबलाइजर सेट से कई लीटर विदेशी शराब जब्त की है। तस्करों के इस अजीबोगरीब तरीकों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। गोपालगंज SP ने शराब तस्करी के नए जुगाड़ को देखकर हैरानी जाहिर की। इसके साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। दरअसल मामला बिशंभरपुर थाना क्षेत्र का है। SP के निर्देश पर जिले के दियारा इलाके में लगातार शराब बरामदगी को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वाहन जांच अभियान के तहत बिशंभरपुर पुलिस के दो बाइक सवार युवकों को रोका। इन दोनों युवकों के बाइक की तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान या शराब की बरामदगी नहीं हुई। लेकिन दोनों बाइक सवार युवक जैसे ही अपने पास रखे स्टेबलाइजर को लेकर बाइक से चलने लगे, तभी पुलिस को उनकी एक्टिविटी को लेकर थोड़ा सा संदेह जरूर हुआ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। संदेह के आधार पर जब दोनों युवकों के पास रखे स्टेबलाइजर को खोलकर उसकी तलाशी ली, तो पुलिस के होश उड़ गए। जी हाँ जनाब, दरअसल उस बिजली स्टेबलाइजर के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई पीस विदेशी शराब छुपा कर रखे गए थे। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि जब्त शराब की मात्रा 21 लीटर से ज़्यादा है। इस मामले में दो युवकों को शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें चलें, गिरफ्तार युवकों में मोतिहारी के कोटुआ का सिकंदर कुमार और जितेंद्र शाह शामिल है। उसने बताया है कि एक अन्य बाइक के सवार युवक को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, देसी जुगाड़, क्योंकि ये भारत है, भारत में लगातार इस तरीके के देसी जुगाड़ सामने आते हैं। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी का रोज नया नया तरीका देखने को मिलता है। इससे कभी गाड़ियों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जाती है, तो कहीं टमाटर और आलू प्याज के ढेर में शराब तस्करी का मामला सामने आता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।